हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद तो साफ तो बहुत अच्छे से होंगी। आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद चल रही होगी। तो बस इसी क्रम में थोड़ी सी सहायता के रूप में, थोड़ी सी हेल्प करने के लिए एक हम वीडियो यहां पर देखते हैं और हम बात करते हैं इस वीडियो में। लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर पेपर वन यूनिट वन का कंप्लीट वीडियो। उस यूनिट वन में क्या पढ़ना है आपको, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे आपको आंसर लिखना है आसान से शब्दों में, आइए इस चीज़ पे चर्चा करते हैं और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के बाद मैं आशा करता हूँ कि यूनिट वन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की बात करें तो आपका फर्स्ट पेपर क्या है भाई? फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन कॉन्सेप्ट नीड पर्पस एंड इम्पॉर्टेंस। अब दो पॉइंट हैं आपके फर्स्ट यूनिट में, पहला है मेजरमेंट, दूसरा है इवेल्युएशन। हिंदी में इसको मापन और मूल्यांकन कहते हैं। सवाल हमेशा से पूछा गया कि मापन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके कार्य क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एजुकेशन में इसका क्या रोल है, एजुकेशन में क्या इसका इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो सवाल है, ये जो सवाल अगर आप 2016 से देखेंगे, 2016 में भी आया था, 17 में भी आया था, 18 में भी आया था, 20 में पेपर 19 में नहीं आया था, 21 में भी ये सवाल आया था। वो सवाल क्या है दोस्तों? लेवल ऑफ मेजरमेंट, मापन के स्तर, ठीक है, जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है, मापन के स्तर है, उसके बारे में सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा दोस्तों। रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट इवेल्युएशन, इवेल्युएशन और मेजरमेंट में क्या संबंध होता है, मापन और मूल्यांकन में क्या संबंध होता है, इसके बीच में अंतर क्या होता है, इसके बारे में जानना है। और फंक्शंस ऑफ द इवेल्युएशन, मूल्यांकन के क्या कार्य हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इवेल्युएशन, जिसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये तो जानना ही है कि मापन और मूल्यांकन के अर्थ क्या होते हैं, और लेवल ऑफ मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट और इवेल्युएशन तो आपको जानना ही जानना। चलिए वन बाई वन देखेंगे, शुरू करेंगे इस वीडियो को। तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि मापन क्या है। जनरली हम सबको बता कि हम मापन मेजरमेंट हम जानते हैं, हमने कभी रोड का मेजरमेंट देखा है, कभी हाइट मेजरमेंट किया है, कभी साइज मेजरमेंट किया है, कभी वेट किया है, किसी प्रोडक्ट को मेजरमेंट किया है। वास्तव में मेजरमेंट होता क्या है? देखिए, अगर आप किसी से पूछते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में कैसा है, उसने कह दिया अच्छा है, भाई सबके बच्चे अच्छे होते हैं, कौन से खराब होते हैं, फिर भी आप जानना चाहेंगे कि कैसा है, आपके दिमाग में एक फिगर बनानी है कि वो कैसा है। तो अगर हमने कह दिया कि मेरा बेटा पढ़ने में अच्छा है, उसके 90% मार्क्स आए थे, तो आपको लगेगा अच्छा 90% मार्क्स आए थे, मतलब तो फिर वो अच्छा बच्चा है। अगर मैंने कह दिया कि पढ़ने में अच्छा है बट 40%, अच्छा 40% मार्क्स आए थे, तो मतलब कहीं ना कहीं उसको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये 90% या 40% या किसी और चीज़ों की बात करें कि कोई वेट 5 kg 10 kg, ये मतलब क्या है कि आप जो बता रहे हैं उसको आपने क्वांटिटेटिव रूप दे दिया, आप उसने न्यूमेरिकल नंबर्स दे दिया, आपने उसको संख्यात्मक रूप दे दिया। तो वास्तव में दोस्तों मापन क्या है ना, किसी भी राशि का या फिर किसी भी वस्तु का या किसी भी प्रोडक्ट को जब हम संख्यात्मक मान देते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। वास्तव में मापन वही प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए देखिए, किसी भौतिक राशि का परिणाम परिमाण संख्या में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया, तुलना करने की प्रक्रिया का क्या मतलब, इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा तुलना के पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। अब जैसे केजी की बात करें, 1 kg, तो ये डिसाइडेड है कि इतने वेट को हम 1 kg कहते हैं, इतने डिस्टेंस को हम 1 meter कहते हैं, ये पूर्व निर्धारित मात्रा है। अब इस मात्रा की तुलना में आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, यही हम क्या करेंगे, मापन करेंगे। इस पूर्व निर्धारित मात्रा को उस विशेष राशि की मात्रा कहा जाता है, इसे मीटर केजी से मात्रा कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, किसी पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, मतलब आप पेड़ को कैसे एक मीटर से कंपेयर कर रहे हैं कि हमें पता है कि इतनी दूरी 1 meter कहलाती है और उसको 10 बार से नापेंगे तो 10 मीटर हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको मात्रा कहेंगे। और मापन वास्तव में क्या है कि किसी भी परिमाण को संख्या के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई मापन की। अब आई शैक्षिक मापन, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप बच्चों का एजुकेशनल मेजरमेंट में आप ये देखेंगे कि बच्चे को कितना समझ में आता है, वो किस लेवल पे है, उसकी IQ कैसी है, वो पढ़ने में कैसा है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इस चीज़ को जानने की प्रक्रिया है, राइट। शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंकों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं की उपयोगिता
और छात्रों की बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, व्यक्ति व्यक्तित्व एवं शैक्षिक उपलब्धि आदि का निश्चित मानकों के आधार पर परखा जाता है एवं उन्हें निश्चित मानक शब्दों, चिन्हों अथवा इकाइयों में प्रकट किया जाता है। अब आप गुड, एवरेज, बेटर, बेस्ट, जो भी हो, जो भी नंबर हो, जो भी परसेंटेज हो, आप उसमें उसको देते हैं। वास्तव में ये मापन कहलाता है शिक्षा के क्षेत्र में। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। कुछ परिभाषा देख लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ब्रेडफील्ड ने कहा था कि मापन किसी मापी जाने वाली वस्तु के गुणों को अंकों के रूप में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जो उस वस्तु की स्थिति को जहाँ तक संभव ठीक अंकित कर सके। किसी भी वस्तु को, किसी भी प्रक्रिया को अंकों के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। हेल्प स्टेट ने कहा था कि मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, एक प्रोसेस के रूप में माना जा सकता है जिसमें किसी अस्थाई या पदार्थ में निहित विशेषताओं को अंकिक वर्णन होता है अंक के रूप में। वास्तव में वही है भाई, मापन का मतलब अंक के रूप में व्यक्त करना। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान की प्रक्रिया है, SS स्टीवेंस ने ये कहा था। तो यहाँ तक बात हो गई इसकी परिभाषा की, समझ में आ गया दोस्तों। एक बार और अगर आप देखेंगे इसको, एक बार लिखेंगे, एक बार पढ़ेंगे खुद से, तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, मापन के बारे में यही है कि किसी भी परिणाम की, किसी भी परिमाण की अंकों के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। चलिए मापन के कार्य देख लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है स्कूल्स में मापन। वर्गीकरण का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए वर्गीकरण का मतलब होता है लेबलिंग में, मापन में वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि आप ये जाने कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे है, किस स्टेज पे है और हमें कितनी मेहनत करनी है। वर्गीकरण का मतलब ये नहीं कि हमने इसको इधर कर दिया, उसको उधर कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे हम। उसके बारे में जानने के लिए वर्गीकरण करेंगे। तो शैक्षिक मापन के परिणामों के आधार पर छात्रों को विभिन्न वर्ग किया जाता है, जैसे छात्रों को श्रेणी देना कि भैया आपने, हमने आपका टेस्ट लिया, हमने आपका एग्जामिनेशन दिया और आपको हम ये ग्रेड देते हैं। रैंक देना, विज्ञान या कला आदि देना। इसी से बच्चों को हम इसलिए भी मापते हैं कि उसको साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि बायो में इंटरेस्ट है कि किस में इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर, तो इस जानने के लिए भी उस आधार पर हम उसको देंगे। चलिए पूर्व कथन, शैक्षिक मापन द्वारा बुद्धि लब्धि, रुचि, अभिवृत्ति आदि मापन कर छात्र के भावी कार्यक्रम हेतु भविष्यवाणी या पूर्व कथन किया जाता है। हम सोचते हैं कि भविष्य में इसके लिए ये सब्जेक्ट ज़्यादा सही होगा, भविष्य में इस विषय में ये ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। तुलना मतलब मापन द्वारा प्राप्त परिणामों द्वारा विभिन्न छात्रों के मध्य में आपसी तुलना कि हाँ ये यहाँ स्टैंड करता है, ये यहाँ स्टैंड करता है, इस पर और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। परामर्श और निर्देशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब अगर बच्चे के अंदर कोई कमी है तो आप उसको कंसील करेंगे। परामर्श की अंग्रेजी होती है कंसल्ट होता है, आप कंसल्ट करेंगे उसको, आप उसे गाइड करेंगे, फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाएंगे। तो मापन के द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर छात्रों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में मार्गदर्शन करना शैक्षिक मापन का एक प्रमुख कार्य है, नो डाउट। लास्ट टू पॉइंट दोस्तों, निदान करना मतलब उसके कारण को जान को उसके हल करना। निदान का मतलब यही होता है कारण जानना, ठीक है। अन्वेषण का मतलब खोज करना, जानना कि और कैसे वो बेहतर कर सकता है। शैक्षिक मापन द्वारा बालक के अधिगम एवं अन्य क्षेत्रों में आने वाली कठिनाई समस्याओं के कारणों को जानना शैक्षिक मापन का महत्वपूर्ण कार्य है। निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया भी अपनाई जाती है, उसे ठीक किया जाता है। अन्वेषण मतलब शिक्षा व मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रकार के शोध एवं अनुसंधान कार्यों में मापन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है ताकि आप और रिसर्च करेंगे एजुकेशन में और कार्य करेंगे एजुकेशन। दोस्तों बारे में हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अब तक आपने मापन में ये सीखा कि मापन क्या है भाई, किसी भी संख्या के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया है, किसी भी प्रक्रिया के परिणाम को, किसी भी वस्तु को, किसी भी प्रक्रिया के परिणाम को संख्यों में व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है जिसे हम मापन कहते हैं। अब मापन जब आप समझ में आ गए, इसकी उपयोगिता में जाना कि आप उस आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, उनके कारणों को जान सकते हैं, उसमें खोज प्रवृत्ति ला सकते हैं और तुलना कर सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों मापन के स्तर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कह लीजिए, लेवल ऑफ मेजरमेंट कह लीजिए, ठीक है। मापन के स्तर, इसको मुख्य रूप से चार प्रकार से बांटा गया आपके आपके सिलेबस में। पहला है दोस्तों शाब्दिक या नामित या नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनरी या क्रमित स्केल, आंतरिक मापन, इंटरवल स्केल और अनुपातिक मापन, रेशियो स्केल। अब यहाँ पे एक चीज़ को मैं यहीं पे क्लियर कर दूँ ताकि आपके लिए और आसान हो जाएगा बिफोर गोइंग फॉर द नोट्स एंड थ्योरी। देखिए शाब्दिक नॉमिनल में आपको क्या, नॉमिनल, नॉमिनेट, शाब्दिक मतलब केवल एक नाम देना। नाम देने का मतलब जैसे मान लीजिए आपने क्लासरूम का सेक्शन डिवाइड कर दिया, ये क्लासरूम का सेक्शन ए है और ये नाइन्थ का सेक्शन बी है।
अब जरा मुझे ये एक बात बताइए कि सेक्शन ए और सेक्शन बी आपने जो नॉमिनल नाम दिया, क्या इसमें इस बात की थोड़ी भी गुंजाइश है कि सेक्शन ए वाले बच्चे सेक्शन बी से बेहतर है या सेक्शन बी वाले बच्चे सेक्शन ए से बेहतर है? नहीं है, बस आपने क्या किया, आप एडमिशन लेते गए और सेक्शन ए फुल हो गया, फिर आपने सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने जनरली नाम दे दिया। इसके अलावा आप बच्चों को रोल नंबर देते हैं, तो जिसका ए से स्टार्ट होता है हम अक्सर उसे ए वन पे रख देते हैं, उसके बाद अगर बी वाले हैं तो फिर दो, फिर सी वाले हैं तो तीन। क्या इसमें आपने ये देखा कि कौन ज़्यादा पढ़ने में अच्छा है, कौन ज़्यादा कम, क्या इन दोनों के बीच में गैप दर्शाता है क्या, कि नहीं दर्शाता ना, ये बस नॉमिनल है। तो ये स्केल मापन में हम क्या करते हैं भाई, हम बस उन्हें किसी एक विशेष गुण के आधार पर, जैसे अगर आपको डिवाइड करना हो भैया, ए नाम वाले इधर आ जाओ, बी नाम वाले इधर आ जाओ, बालक इस वर्ग में आ जाए, बालिका इस वर्ग में आ जाए, सेक्शन ए वाले इधर आ जाए, सेक्शन बी वाले इधर आ जाए, तो आपने क्या किया, जनरली किसी एक विशेष गुण के आधार पे आपने उनकी मात्रा, फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कौन कितना पढ़ने में अच्छा है, आपस में कितना गैप है, डजंट मैटर, आपने बस क्या किया, नॉमिनल उनको इंटर। क्रमित मापन का मतलब क्या होता है, क्रमित मापन में आप एक क्रम निर्धारित करेंगे, क्रम निर्धारित में आप उसको बढ़ते या घटते क्रम में रख सकते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल समझ जाइए, जैसे आपने कहा गुड बेटर और सॉरी गुड एवरेज और बेस्ट, ठीक है, सॉरी एवरेज गुड और बेस्ट, तो सबसे क्या है भैया, ये एवरेज बच्चा है, ठीक है, ये क्या है, अच्छा बच्चा है, गुड, ये क्या है, एक्सेलेंट बच्चा है। अब इसमें आप क्रम दे सकते हैं, अच्छा चलो एक्सेलेंट मतलब सबसे ऊपर, फिर उसके बाद गुड, फिर उसके बाद एवरेज, फिर उसके बाद पुअर, या फिर आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं। तो आप जब एक क्रम दे सकते हैं, याद रखिए, जब आप एक क्रम दे सकते हैं तो उस मापन को हम क्रमित मापन कहते हैं। इसके अलावा आपने रैंक दे दिया, रैंक वन, रैंक टू, रैंक थ्री, रैंक फोर, रैंक फाइव, आपने यहाँ भी क्या किया दोस्तों, क्रम दे दिया। तो जब आप क्रम दे सकते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, ऑर्डिनरी स्केल यानी कि क्रमित मापन आता है। अब आइए नेक्स्ट देखिए, आंतरिक मापन स्तर। अब आंतरिक मापन स्तर और क्रमित में देखिए, अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जो रैंक वन है, जो रैंक वन है और रैंक टू है और रैंक थ्री है, क्या इसके बीच का जो गैप है वो इसके बीच का गैप है? जैसे मान लीजिए कोई 80 नंबर पा के रैंक वन आ गया, कोई 79 नंबर पा के रैंक टू आ गया, कोई 70 नंबर पा के रैंक थ्री आ गया। अब आप देखेंगे रैंक वन और रैंक टू के बीच में केवल एक नंबर का फर्क है, लेकिन रैंक थ्री वाले के बीच में 8 या 9 नंबर का फर्क है, राइट? तो क्रमित मापन में हम उसके बीच का अंतर को नहीं देखते, ठीक है, केवल उनको रैंक देते, जबकि आंतरिक मापन ये कहता है कि इसके बीच का अंतर भी इक्वल हो, इसके बीच का अंतर भी इक्वल हो, इसके बीच का जो अंतर है दोस्तों, इनके भी इंटरवल जो है वो क्या हो, सेम हो, इसके बीच का सेम हो। अब इसके लिए बेस्ट एग्जांपल अगर मापन की बात करूँ, किसी का टेम्परेचर अगर आपको मापना है, तो आपने 10 बच्चों के बॉडी टेम्परेचर नापे, किसी का मान लीजिए 90 आया, किसी का 80 आया, किसी का 70 आया, तो आपने जिस इंटरवल में रख दिया, जैसे 90 और 80 के बीच में जो गैप है वही गैप 80 और 70 के बीच में, करेक्ट? अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ जाइए, आंतरिक मापन का मतलब, जैसे मान लो आप आंतरिक मापन में किसी बच्चे को आप परसेंटेज दे रहे हैं, किसी को 80%, 90%, 70%, कोई बच्चा उसमें फेल हो गया, मतलब मान लीजिए उसका 0% है, उसका 0%, तो यहाँ आंतरिक मापन ये कहता है कि अगर किसी बच्चे का 0% है तो ये 0 है, लेकिन ये एक आभासी है, 0% ये डिसाइड नहीं करेगा कि उस बच्चे को बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, वो ये डिसाइड करेगा कि इस एग्जाम में वो बेटर नहीं कर पाया। अभी थ्योरी में और क्लियर होगा। जबकि अनुपातिक मापन में हम बिल्कुल क्लियर रखते हैं, 0 का मतलब 0। अब इसमें किस तरीके का मापन करेंगे, जैसे एग्जाम्पल दो बच्चे हैं, मैंने कह दिया इनके बीच की हाइट का डिफरेंस बताओ कितना है, तो दोनों समान है सर, 0 है, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि 0 का मतलब बिल्कुल 0, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। वेट का अंतर बताओ तो बिल्कुल 0। अभी इसको चीज़ें समझ में आएंगी, पहले आइए ज़रा लेक्चर वो थ्योरी देख लेते हैं। तो थ्योरी में पहला क्या था दोस्तों, नॉमिनल में बिल्कुल जो हमने बताया कि किसी को ऐसे हमने नाम दे दिया, नाम के आधार पर वर्गीकृत कर दिया। चलिए, मापन का यह प्रकार सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन है। इस प्रकार का मापन वस्तुतः किसी गुण अथवा विशेषता के माप पर आधारित होता है। इसमें व्यक्तियों को उनके किसी गुण अथवा विशेषता के प्रकार के आधार पर कुछ वर्गों या समूह में विभक्त कर दिया जाता है। इन वर्गों के बीच परस्पर किसी प्रकार का कोई अंतर्निहित क्रम नहीं होता, कोई क्रम नहीं होता, सीक्वेंस नहीं होता, संबंध प्रत्येक वर्ग या व्यक्ति किसी गुण अथवा विशेषता के किसी एक प्रकार से व्यक्त करते हैं, किसी एक प्रकार से, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरीके से आप इसको व्यक्त करेंगे। वहीं क्रमित मापन में देखिए, क्रमित स्तर का मापन नामित मापन से ज़्यादा अच्छा होता है। यह मापन वास्तव में गुण की मात्रा के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार के मापन में व्यक्ति अथवा वस्तुओं को उनके गुण की मात्रा के आधार पर ऐसे वक्तों में व्यक्त किया जाता है जिसमें एक स्पष्ट अंतर्निहित क्रम हो,
क्रमिक में क्या रहेगा भाई, सीक्वेंस रहेगा जिसको आप बढ़ते और घटते क्रम में लिख सकते हैं। यह क्रम अपने आप में सुस्पष्ट होता है। इन वर्गों में प्रत्येक में कोई नाम, शब्द, अक्षर, प्रतीक या अंक प्रदान कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए गुड, एवरेज, एक्सेलेंट, इन्फेरियर, या फिर रैंक वन, रैंक टू, रैंक थ्री, या फिर कुछ इस तरीके से आपने उसको ए ए प्लस, बी बी प्लस, सी सी प्लस, इस तरीके से आपने उसको डिवाइड कर दिया। नामक तीन वर्गों में बांटना क्रमित मापन का एक सरल उदाहरण है। गुड, एवरेज और इन्फेरियर इस तरीके से मापना, ये क्या है भाई, क्रमित मापन का एक बेस्ट एग्जांपल है। अब भाई छात्रों को परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में बांटना, लंबाई के आधार पर छात्रों को लंबा औसत नाटा कहना, कक्षा के स्तर के आधार पर माध्यमिक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातोत्तर, ये भी आपने क्या किया, एक क्रम डिसाइड किया है ना, और ये बेस्ट एग्जांपल है। माध्यमिक, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक में, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फिफ्थ क्लास में और सिक्स्थ में चला गया, तो वो माध्यमिक से कहाँ चला गया, प्राथमिक से माध्यमिक में चला गया, एक साल का गैप हुआ। वहीं आइए स्नातक से और स्नातोत्तर से का मतलब, जैसे स्नातक कोई बीए फर्स्ट ईयर में है और कोई एमए सेकेंड ईयर में, इनके बीच में 5 साल का गैप है, तो ये एक क्रम तो है लेकिन बीच का इंटरवल इक्वल नहीं होगा। तो क्रमिक मापन का एक ये भी एग्जाम्पल है, जैसे कि माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर, इसमें बांटना। इसके अलावा भी टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, आचार्य, ये भी पद हैं जो एक क्रम को निर्धारित करते हैं। विश्वविद्यालय अध्यापकों में प्रवक्ता, उपचार्य या आचार्य, नामक इत्यादि क्रमित मापन के कुछ सरल उदाहरण हैं। स्पष्ट है कि क्रमित मापन के विभिन्न वर्गों में विद्यमान गुण या विशेषता की मात्रा भिन्न होती है, तो इन वर्गों के आधार पर घटते अथवा बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये हो गई बात क्रम, बिल्कुल वही है अंतराल मापन, लेकिन इसमें जो बीच का गैप होगा वो इक्वल होगा। अंतराल मापन स्तर नामित मापन तथा क्रमित मापन से अधिक परिमार्जित होता है। यह मापन गुण की मात्रा के परिमाण पर अविलंबित होता है। इस प्रकार के मापन में सदस्यों या वस्तुओं के उपस्थित गुण की मात्रा इस तरह इकाइयों द्वारा व्यक्त की जाती है कि किन्हीं दो निरंतर इकाइयों में अंतर समान रहता है। उदाहरण, विद्यार्थी को उनकी भाषा योग्यता के आधार पर अंक प्रदान करना, जहां यह स्पष्ट है कि 20 और 21 अंकों के मध्य वही अंतर है जो 26 और 27 अंकों के मध्य है। विद्यार्थी की अभिवृत्ति, रुचि तथा बुद्धि आदि का मापन प्रायः इसी प्रकार किया जाता है। तो आपने क्या समझा, इनके बीच का जो इंटरवल होगा वो समान रहेगा। अब आइए, इस स्तर के मापन की इकाई समान दूरी पर स्थित अंक होते हैं। इन इकाइयों के साथ गणितीय संक्रियाएं जोड़ अथवा घटाना किया जा सकता है। आंतरिक मापन परम शून्य, वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता। अगर कोई बच्चा आपके एग्जाम्स में जीरो पाता है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि उसे कुछ नहीं आता, ठीक है, उस एग्जाम्स में उसने नहीं अटेम्प्ट किया, जिसके कारण मापन में प्राप्त परिणाम सापेक्षित होता है परंतु निरपेक्ष। उसको जीरो तो मिला है लेकिन कुछ ना कुछ उसको साइंस के बारे में नॉलेज है। इस स्तर पर शून्य बिंदु हो सकता है परंतु यह आभासी होता है। जैसे यदि कोई छात्र विज्ञान विषय में शून्य अंक अर्जित करता है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह छात्र विज्ञान विषय में कुछ नहीं जानता है। इस शून्य का अर्थ केवल इतना है कि वह छात्र प्रयुक्त किए गए विज्ञान परीक्षण के प्रश्नों का उचित समाधान करने में असमर्थ रहा है। तो ये हो गई बात दोस्तों किसकी, अंतराल या इंटरवल स्केल की। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लिस्ट पॉइंट, आंतरिक सॉरी अनुपातित मापन का मतलब इनका इंटरवल भी सेम रहेगा और इसका शून्य सेम तो रहेगा ही और शून्य भी हो सकता है। अनुपातित मापन अन्य समस्त मापनों में सर्वाधिक परिमार्जित मापन होता है। इस मापन में आंतरिक मापन की समस्त विशेषताओं के साथ साथ परम शून्य की विशेषता या वास्तविक शून्य की संकल्पना निहित होती है। परम शून्य वह स्थिति है जिसमें कोई विशेषता पूर्ण रूपेण अस्तित्व विहीन हो जाता है। जैसे लंबाई, भार, ऊंचाई, दूरी, छात्र संख्या, पुस्तकों की संख्या, भौतिक चर मापन अनुपातित होता है, क्योंकि लंबाई और भार एवं दूरी पूर्ण रूप से अस्तित्व विहीन हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास कितनी पुस्तकें हैं, किस बच्चे के पास कितनी पुस्तकें हैं, इसकी गणना करना। तो भाई किसी बच्चे के पास अगर जीरो पुस्तक होगी तो हम मान लेंगे कि उसके पास जीरो पुस्तक है। तो ये क्या है भाई, अनुपातित स्तर है। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, एक बार और पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, मूल्यांकन, जिसे हम अंग्रेजी में इवैल्यूएशन कहते हैं। अब हम मूल्यांकन को समझेंगे और थोड़ा बहुत साथ ही साथ मापन और मूल्यांकन के संबंध को एक दूसरे से कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि मापन किसे कहते हैं, इवैल्यूएशन किसे कहते हैं। उसके पहले दोस्तों काफ़ी एफर्ट लगते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगता है पढ़ाने से पहले। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे,
वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दे दीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आपने कहाँ तक सीखा, कहाँ तक समझा, और आपके जो कमेंट्स आते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नए जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं मूल्यांकन पे। तो आप कल जो लाइक करना होगा, आपका जो कमेंट करना होगा, वो मेरे लिए मूल्यांकन होगा, मेरे लिए इवैल्यूएशन होगा कि आपको कितना समझ में आया। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए चलते हैं मापन की प्रक्रिया पर और समझते हैं कि मूल्यांकन क्या कहलाता है, मूल्यांकन किसे कहते हैं। मूल्यांकन की बात करें दोस्तों कि मूल्यांकन क्या होता है, तो ये जानिए कि मूल्यांकन जो है वो मापन के बिना अधूरा है। मापन के बाद ही मूल्यांकन संभव है, यानी कि जो मेजरमेंट है वो इवैल्यूएशंस का पार्ट है। वास्तव में मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का अर्थ होता है दोस्तों मूल्य निर्धारित करना, किसका, अंकों का, कौन से अंकों का, मापन के द्वारा प्राप्त अंकों का। अब आपने एक एग्ज़ाम लिया, एक टेस्ट लिया, वहाँ पे आपने मापा कि बच्चों के 50% 30% और 60% नंबर आ रहे हैं। अब इनका मूल्य निर्धारित करना है कि कौन सा बच्चा पास है, कौन सा बच्चा फेल है, किसको प्रमोट करना है, किसको क्या टेस्ट दोबारा दिलाना है, किसको दोबारा एग्जाम, तो ये सारी चीज़ें इनके प्राप्त अंकों का मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, इनके प्राप्त अंकों का मूल्य निर्धारित कराने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहती है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन करना। तो दूसरे शब्दों में मूल्यांकन मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अंग है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों का मूल्यांकन करते रहते हैं। मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषताओं की मूल्य निर्धारण किया जाता है। मापन जो है वो मूल्यांकन का ही एक अंग है। समझ में आ गया, मापन द्वारा प्राप्त अंकों का मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। चलिए, तो आप लिख सकते हैं मूल्यांकन का मतलब क्या है भाई, मूल्यांकन का मतलब मापन प्लस मूल्य निर्धारण, यानी कि मापन के अंकों का मूल्य का निर्धारण। मूल्यांकन का अंतर्गत किसी गुण, योग्यता अथवा विशेषताओं का मूल्य निर्धारण किया जाता है, अर्थात मूल्यांकन द्वारा प्राप्त परिणाम या परिणात्मक गुणात्मक दोनों होते हैं। अब जब आप मूल्यांकन के द्वारा जो भी परिणाम लेंगे वो क्या होगा दोस्तों, वो परिणाम के साथ साथ उसके गुणों की विशेषता, मतलब उसके परिणाम के साथ उसके गुण की भी विशेषताएँ दोनों उसमें निहित होंगी, जिनके आधार पर बालक की योग्यता एवं उपलब्धियों का आंकन किया जाता है। मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को इस प्रकार से स्पष्ट किया जाएगा, मापन में मूल्य प्लस मूल्य का निर्धारण। ठीक है, चलिए अब मूल्यांकन का उद्देश्य देख लेते हैं। दोस्तों मूल्यांकन के उद्देश्य की बात करें तो छात्रों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करना, ठीक है, छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना, छात्रों की वृद्धि तथा विकास में उत्पन्न अवरोधों को जानना, छात्रों की शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों को जानना, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी लेना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितने हैं। जब आप मूल्यांकन करेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ ये बच्चा ज़्यादा पढ़ने में तेज है, ये कमज़ोर है, इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है, इस ये ज़्यादा समझ में आ जाता है, इसको लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आता है, इसको मैथ ज़्यादा समझ में आता है, तो ये आप मूल्यांकन से पता करेंगे। कक्षा उन्नति व रोजगार के लिए शैक्षिक योग्यता का प्रमाण, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट देनी हो तो आप उसको मूल्यांकन करेंगे। शिक्षण में सुधार लाना, अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशालिता को ज्ञात करना, ये भी जानना कि टीचर के पढ़ाने का तरीका कितना अफेक्टिव है, कितना प्रभावशाली है, तो ये मूल्यांकन के उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं। एक प्रश्न यहाँ ये भी आता है कि मूल्यांकन के स्टेप क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, स्टेप क्या होता है, चलिए मतलब मूल्यांकन किसके बाद कैसे किया जाता है, तो ये तो बस ऐसे लिखा गया है कि विभिन्न विषयों के शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य होते हैं तथा इन विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। इन विभिन्न प्रकार के अधिगम क्रियाओं के फलस्वरूप छात्रों के विभिन्न व्यवहार परिवर्तन होते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, अतः इसे अनेक पदों में विभाजित किया जाता है। वास्तव में मूल्यांकन को निम्नलिखित क्रम में बांटा गया, निम्नलिखित स्टेप में, निम्नलिखित प्रोसेस में बांटा गया। पहला क्या है भाई, पहला ये है कि सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण। अगर आप इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करते हैं तो आप पहले आपके पास समान उद्देश्य होना चाहिए कि मतलब हम क्यों कर रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए, लाइक अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस के मूल्यांकन का सबसे पहला समान उद्देश्य ये है कि क्या बच्चों को विज्ञान की जानकारी है, मतलब समान उद्देश्य, क्या इनको विज्ञान की जानकारी है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, अब विज्ञान के जो स्पेसिफिक पॉइंट है, उनको ग्रेविटी के बारे में पता है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता है, ये क्या कहते हैं उसको, फोर्स के बारे में पता है, उसको एक्सेलरेशन के बारे में पता है, क्या इन विशेष चीज़ों के बारे में पता है कि नहीं, तो इस विशेष उद्देश्य का निर्धारण करेंगे।
शिक्षण बिंदुओं का चयन करेंगे कि अगर पता है या नहीं है तो किन शिक्षण बिंदुओं के द्वारा इनको जानेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बताएंगे। उपयुक्त अधिगम क्रियाएं आयोजित करेंगे, मतलब जो भी प्रक्रिया, एक्टिविटीज़, जो भी प्रोसेस होता है उसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे, आयोजन करेंगे, ताकि वो पॉइंट जान सके। छात्रों के व्यवहार परिवर्तन को ज्ञात करना कि इसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, पहले इतना जानता था अब इतना जानता है। तो ये सारी चीज़ें मूल्यांकन की प्रक्रियाएं हैं, जिसमें पहला था सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण बिंदुओं का चुनाव, अधिगम उपयुक्त क्रियाओं का आयोजन, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन को जानना और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मूल्यांकन करना। यहाँ पे आप उसको मूल्यांकन करें, मूल्यांकन इवैल्यूएशन करने के बाद फिर आप उसको फीडबैक देंगे बच्चे को, परिणामों को पृष्ठ पोषण के रूप में प्रयुक्त करना, फीडबैक के रूप में बच्चे को देना। ये वो सारे क्या है भाई, स्टेप है मूल्यांकन के, चरण है। चलिए मूल्यांकन की विशेषताओं के बाद मूल्यांकन को हम समाप्त करेंगे, इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। तो आइए इनकी विशेषताओं में देखिए, समग्रता होती है, मतलब एक कंप्लीट इवैल्यूएशन होता है, ऐसा नहीं कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे और एक कंप्लीट इवैल्यूएशन होता है। विश्वसनीयता, मतलब आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो विश्वास के पात्र हो, ठीक है, इवैल्यूएशन पे आप यकीन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 10th क्लास में कोई बच्चा अगर 90% पाता है तो आप इस पे यकीन करते हैं कि चलो भाई इसने मेहनत किया होगा, इसने पढ़ा लिखा होगा। इस तरीके के मूल्यांकन भी होने चाहिए, अगर इस तरीके का नहीं है तो फिर वो मूल्यांकन किसी काम का नहीं है। वस्तुनिष्ठता का मतलब दोस्तों, वस्तुनिष्ठता का मतलब जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि हम गए इवैल्यूएशन करने तो हमने देखा कि अरे यार ये लड़का तो बहुत अच्छा है, कोई अगला बंदा आया वो कह रहा है ये तो बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो इस तरीके का मूल्यांकन का मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिफिकेशन होना चाहिए कि ठीक है, हाँ सबको लगे कि ये अच्छा बच्चा है, सबको लगे कि ये पढ़ने में ठीक। तो इस तरीके से मूल्यांकन की परिणाम लगभग सेम हो, इसलिए आप देखेंगे एंट्रेंस एग्जाम अक्सर किस पे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पे होते हैं। उस ऑब्जेक्टिव टाइप को जो चाहे वो चेक कर ले, सेम आंसर आएगा। व्यवहारिकता दोस्तों, व्यवहार से जुड़ा होना चाहिए, आप उसके व्यवहार से उसको समझने की कोशिश करें। वैधता का मतलब जो मूल्यांकन के बाद आप जो उसको परिणाम दे रहे हैं, जो रिजल्ट दे रहे हैं वो वैलिड भी होना चाहिए। विभेदीकरिकता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान रखें कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि सबको आपने एक ही रिजल्ट दे दिया। पूर्व कथनात्मकता मतलब आप स्पष्ट कर चुके इवैल्यूएशन के बाद कि हाँ इसका भविष्य में क्या हो सकता है, भविष्य में पढ़ने कहाँ तक पढ़ने के लिए सक्षम है और कहाँ इसकी मेहनत करनी है। तो पूर्व कथात्मकता मतलब भविष्य के बारे में थोड़ा सा आप इसको जानकारी लगा सकते हैं उस मूल्यांकन के आधार पर। तो ये मूल्यांकन की क्या हो गई, विशेषता हो गई। मूल्यांकन के प्रकार तो कई हैं दोस्तों, आपके फर्स्ट यूनिट में जो है दो है, मोस्टली फर्स्ट यूनिट में आपके जो दो मूल्यांकन के प्रकार है उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपका जो पहला है संरचनात्मक मूल्यांकन, जिसको स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन कहते हैं, और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन, जिसको हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो संरचनात्मक मूल्यांकन इसको, अब ये देखिए ये मूल्यांकन क्या होता है, दो तरीके का मूल्यांकन है। एक मूल्यांकन वो है जिसमें आपको बच्चों को सुधार करना है, एक मूल्यांकन वो है जिसमें सुधार करने की गुंजाइश नहीं, उसको सर्टिफिकेट देना है, बताना है कि आप पास हैं या फेल हैं, आपको प्रमोट करना है कि नहीं करना। तो देखिए, जब कोई शिक्षण योजना अपने प्रारंभिक या निर्वाण अवस्था में हो और उसका मूल्यांकन कर उसे सुधार किया जा सके, जब कोई शिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभिक में हो, शुरू हुई हो या निर्माण अवस्था में मतलब चल रही हो, और यहाँ पे मूल्यांकन कर उसका जब सुधार करने की बात की जाएगी तो वो होगा संरचनात्मक मूल्यांकन, स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन। तो भाई उस मूल्यांकन सुधार किया जा सके, उसकी प्रभावशीलता, गुणवत्ता, वांछनीय उपयुक्तता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत क्या है योगात्मक मूल्यांकन, जब कोई शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण हो गई हो और उसके बारे में आपको परिणाम बताना हो, रिजल्ट बताना हो, किसी शैक्षिक प्रक्रिया कार्यक्रम को अंतिम रूप दे देने के बाद उसे चालू करने के पश्चात उसकी समानता को ज्ञात करने की किया गया। यहाँ देखिए, इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि इस योजना या कार्यक्रम को चालू रखा जाए या नहीं। स्पष्टतः योग्यात्मक मूल्यांकन का अभिप्राय पहले से चल रही योजना को जारी रखा जाए या नहीं का निर्णय लेना होता है। इसके अतिरिक्त अनेक वैकल्पिक कार्यक्रमों में इसको किसको जारी रखा जाए और किसको छोड़ दिया जाए, इस उद्देश्य को प्राप्त योगात्मक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए, यहाँ इसका मतलब क्या है भाई, कि जो अभी पूरी नहीं हुई है, जो अभी निर्माण अवस्था में है, जो चल रही है, तो वहाँ पे मूल्यांकन करके बता बच्चों को, जब जहाँ पे सुधार करने की गुंजाइश, जैसे आपने एग्जांपल स्कूल में बच्चों से कोई सवाल पूछा, उन्होंने गलत बताया, आप वहाँ पे सुधार कर सकते हैं। अब यही इसके विपरीत वाइबा दे रहे हैं बच्चे, एग्जामिनर उनसे सवाल पूछ रहा है, तो वहाँ पे तो वो नहीं बताएगा ना, वहाँ पे तो आप कुछ भी बोल दीजिए, वो अपना ए प्लस जो भी देना वो देकर चला जाएगा, वहाँ पे फेल पास। तो वो जो सेकेंड वाला है वो हो जाएगा हमारा योगात्मक, और जिसमें सुधार की गुंजाइश है वो हो जाएगा संरचनात्मक।
इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी शैक्षिक योजना को अंतिम रूप देने के पूर्व उसका मूल्यांकन कर सुधार करने की प्रक्रिया को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इससे अंतर भी पूछता है दोस्तों, संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में अंतर भी पूछता है। तो अगर अंतर पूछे तो आप देखिए कैसे लिखिएगा। आप अंतर में इस तरीके से लिख दीजिएगा कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन है वह शुरू में यानी कि पूर्ण होने से पहले की जाती है, और दूसरा योगात्मक मूल्यांकन पूर्ण होने के बाद की जाती है। इसमें दोस्तों इसमें सुधार करने की गुंजाइश होती है, इसमें परिणाम व्यक्त किया जाता है, ठीक है, इसमें प्रक्रियाओं को सुधार किया जाता है, जबकि इसमें प्रक्रियाओं के बारे में निर्णय लिया जाता है। इस तरीके से आप कुछ अंतर बना के लिख सकते हैं। अगला आपका टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। लेकिन दोस्तों ये आपके थर्ड यूनिट का पार्ट है। इसके अलावा एक और टॉपिक आता है जिसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, इसे उपचारात्मक और भी है इसके टाइप, मतलब इसके अलावा, तो वो सारी चीज़ें आपके थर्ड यूनिट का पार्ट है। इस यूनिट में फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। मापन, मापन की अर्थ, मापन की परिभाषा, मापन के स्तर, मापन के स्टेप के साथ साथ मूल्यांकन की अर्थ, परिभाषा, मूल्यांकन की उपयोगिता, विशेषताएँ, इस तरीके से देखते हुए मापन और मूल्यांकन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। एक छोटी सी वीडियो थी, कोशिश ये थी कि आपको इन दोनों टॉपिक के बारे में समझ में आ जाए। और ये बिल्कुल ऐसे हैं जो मैंने समझ के अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करी है। तो आप इसी तरीके से आप भी समझ के अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर जो आप किताब वाला है ना वो लिख नहीं पाता, कोई भी नहीं लिख पाता, चाहे आप हो या हम या कोई भी। अब कोई ऐसा बैठ के रट भी तो नहीं पाएगा एज इट इज़। तो कोशिश करिएगा कि अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिएगा। नंबर्स भी वैसे ही मिलते हैं, जिसमें अपने वर्ड्स में लिखते हैं उसके अच्छे मिलते हैं। तो बाकी मैं आशा करता हूँ कि इसको समझने के बाद थोड़ा सा आप समझ के लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा, आपका फीडबैक मेरे लिए इवैल्यूएशन रहेगा कि मुझे इस प्रक्रिया को आगे रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। तो वो एक समेटिव इवैल्यूएशन हो जाएगा, मुझे सीरियसली आपके 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 फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आशा करते हैं समझ आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नहीं जुड़े चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। ऐसी बातें होती रहेंगी, ऐसे पढ़ाई होता रहेगा, ऐसे डिस्कशन होता रहेगा। अगले वीडियो में कोई और टॉपिक, कोई और प्रश्न, कोई और यूनिट। फिलहाल इस वीडियो में इतना है दोस्तों, खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।